हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स चैनल। जैसा कि दोस्तों मैं 665 क्वेश्चंस का सीरीज चला रही हूं, जिसमें से पार्ट बाय पार्ट आपके एडमिट कार्ड जारी होने से पहले या परीक्षा देने से पहले इस सीरीज को मैं पूरा करना चाहती हूं जल्द से जल्द। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे और मैं जल्द से जल्द पूरा कराने की पूरी कोशिश करूंगी। और यदि दोस्तों यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, एमसीक्यू सहित थ्योरेटिकल वीडियोज एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस, सभी चीजें आपको यहाँ पर चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाइए और सभी कुछ चैप्टर वाइज सभी कुछ चेक करके देखिए, सभी कुछ आपको मिल जाएगा और बेहतरीन अपना तैयारी कीजिए। तो समय को नष्ट न करते हुए हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्न प्रशासन का एक प्रकार है, तो निम्न में से प्रशासन का एक प्रकार है कौन है? तानाशाही, मुक्त प्रशासन, कुशासन। तो ये सभी के सभी प्रशासन का क्या है? एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासन में कठोर नियंत्रण व दमनात्मक तरीकों का प्रयोग निम्न प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों कठोर नियंत्रण और दमनात्मक तरीकों का प्रयोग किस प्रशासन में किया जाता है? यह किया जाता है आपका तानाशाही प्रशासन में। किस प्रशासन में? तानाशाही प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रशासन में नियम व कानूनों की विशेष प्रवाह नहीं की जाती। तो कौन सा ऐसा प्रशासन होता है जिसमें कोई नियम कानून का प्रवाह नहीं किया जाता है? तो वह होता है मुक्त प्रशासन। कौन सा प्रशासन? मुक्त प्रशासन, कोई नियम कानून नहीं रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसरों की समानता तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं को महत्व निम्न प्रशासन में दिया जाता है, यानी सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, सभी व्यक्तियों को समान तवज्जो दिया जाता है, तो वो कौन सा प्रशासन होता है? तो वह होता है आपका लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कारक प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित तथा प्रभावित करता है। तो कौन सा कारक है? सांस्कृतिक कारक, ऐतिहासिक कारक, राजनैतिक कारक। तो दोस्तों ये सभी कारक जो होता है वह प्रशासन के स्वरूप को निर्धारित भी करता है और प्रभावित भी करता है। यहां ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निरीक्षण पद्धति कब प्रारंभ की गई? तो भारत में निरीक्षण पद्धति 1954 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में एक सहायक है। क्वेश्चन क्या है कि पर्यवेक्षण उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थितियों की विकास में सहायता करता है या सहायक है? तो इस कथन को किसने कहा था? तो इस कथन को कहा था डब्ल्यू किम्बल ने। तो पर्यवेक्षण यानी जो निरीक्षण है वो उत्तम शिक्षण को सीखने की परिस्थितियों में क्या करता है? सहायता करता है। इस बात को कहा है डब्ल्यू किम्बल ने। नेक्स्ट है पर्यवेक्षण जो वर्तमान समय में एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है जिसका उद्देश्य संपूर्ण शिक्षण अधिगम परिस्थिति का सुधार कारक सुधार करना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों विलियम ए ईगर का। किसका है? विलियम ए ईगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीकी सेवा है जो उन दशाओं का अध्ययन करने तथा उनमें उन्नति करने से संबंधित होती है जो सीखने तथा छात्र विकास के चहुं ओर व्याप्त होती है। निम्न कथन किसका है? तो एक कथन है दोस्तों बार ए बर्टन और बुकरन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक
परिनिरीक्षक में निम्न गुण होता है, तो जो निरीक्षक होता है या मूल्यांकनकर्ता होता है उसमें कौन कौन सा गुण होता है? उदारता, उत्तम चरित्र, रचनात्मक नेतृत्व, तो ये सभी गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्थागत नियोजन उन कार्यक्रमों का जोड़ है जिनके संस्था द्वारा अपनी अनुभूति, आवश्यकताओं तथा नीज के उपलब्ध एवं भविष्य में उपलब्ध संस्थानों के आधार पर तैयार किया जाता है। निम्न कथन किसका है? तो यह कथन है एम बी बूच का। यह किसका कथन है? एम बी बूच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तम कार्यक्रम नियोजन की निम्न विशेषता है। तो कोई भी आप उत्तम कार्यक्रम का नियोजन कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए? तो विशिष्टता, सहयोगात्मकता, लचीलापन, तो ये सभी विशेषता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा ऑप्शन दिया रहता है तो यही आपका ऑप्शन सही रहता है, जब तीनों चीजें आपको लगता है कि हाँ इसमें सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का महत्व निम्न है। तो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का जो महत्व है यह है पाठ्यक्रम में प्रगति, खाली समय का सदुपयोग, सामाजिक विकास। तो दोस्तों जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं हैं वो हमको क्या, हमारे लिए या विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए क्या महत्व रखता है? तो वह पाठ्यक्रम में प्रगति का महत्व रखता है, खाली समय का सदुपयोग का महत्व रखता है, सामाजिक विकास होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों द्वारा विद्यालय में प्रगति करने पर जो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं उनके विषय में सूचना एकत्रित करके एवं उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्विलन और हन्ना की। किसका है? क्विलन और हन्ना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयु के आधार पर निम्न शिविर का विभाजन नहीं है। ऑप्शन है बाल शिविर, वार्षिक शिविर, वृद्ध शिविर, किशोर शिविर। तो दोस्तों इसमें से बाल शिविर, वृद्ध शिविर, किशोर शिविर जो है आयु के आधार पर शिविर का विभाजन है, लेकिन वार्षिक शिविर आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई के फ्रैक्टवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को निम्न प्रकार बताए हैं। तो इन्होंने माध्यमिक शिक्षा में प्रचलित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को 6 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलेल्ड सी फांस ने पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के कितने प्रकार बताए हैं? तो इन्होंने 9 प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों से संबंधित मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा अनुप्रयोग यह पिछड़े बालकों की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुदाय में मनोवैज्ञानिक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो समुदाय में मनोवैज्ञानिक तत्व वही होना चाहिए कि सभी में सामुदायिक भावना होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व कौन सा है निम्नलिखित में से? तो विद्यालयों में सामुदायिक भावना का प्रमुख तत्व है
हम भावना, ठीक है, कौन सा भावना, हम भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल मनोविज्ञान आपको मदद करता है, तो बाल मनोविज्ञान आपको किस चीज में मदद करता है? ऑप्शन है बालक की अभिरुचि के बारे में, ठीक है, ये भी मदद करता है, उनकी चेतना एवं उपचेतना व्यवहार के बारे में, इससे भी हम उससे पता लगाते हैं, उनकी जागृति के बारे में। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ऑप्शन है योग्य शिक्षक, सीखने की क्षमता, अच्छी आदत, जिज्ञासा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है दोस्तों जो अधिगम यानी सीखने की सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण, ये तो सब कुछ, योग्य शिक्षक भी होना चाहिए, सीखने की क्षमता भी होना चाहिए, अच्छी याददाश्त भी होना चाहिए, बट सबसे महत्वपूर्ण कारक है जिज्ञासा यानी कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। आपके अंदर किसी चीज को सीखने की जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो आप नहीं सीख पाएंगे, चाहे कोई कितना भी सिखाने वाला अच्छा मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है जो, विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम कौन हो सकता है? ऑप्शन है उनके विकास में मदद करता है, एकदम करेक्ट, विकास में तो मदद करने वाला पाठ्यक्रम होना ही चाहिए, और समाज की आवश्यकता की पूर्ति करता है, यानी कि जो समाज में वो जिएगा, समाज में ही जिएगा तो उसकी आवश्यकता की भी पूर्ति करे वो पाठ्यक्रम, और उनके स्तर के अनुकूल हो यानी कि उनकी रुचि के अनुकूल हो। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्नोत्तर की तकनीकी के द्वारा, यानी कि हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप भी प्रश्न पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं, तो ये प्रश्न उत्तर की जो तकनीकी है इसके द्वारा क्या होता है? ऑप्शन है शिक्षक विद्यार्थी की समझदारी के बारे में पता लगा लेता है, एकदम करेक्ट है, प्रश्न उत्तर से ही तो हम जानते हैं कि विद्यार्थी की समझदारी कितनी है या कितना उसको आता है, और आप ऐसी कक्षा को पढ़ाते हैं जिसमें रुचि हो। विद्यार्थी भी प्रश्नों के पूछने का तरीका सीखते हैं, तो इस प्रकार प्रश्न उत्तर से इतनी सारे नॉलेज होता है हमको, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य का निर्णय कौन लेता है? तो दोस्तों हम विद्यार्थी कौन सा सब्जेक्ट लिया है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसको देखकर हम जान जाते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षाविद विद्यालय की तुलना बगीचा से करते हैं, उनके अनुसार क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, उनकी जो है देखभाल पौधों के, उनकी देखभाल बगीचे के छोटे पौधों की तरह की जाती है। नेक्स्ट है सृजनात्मक कार्यशैली के द्वारा सीखना विद्यार्थी को मदद करता है, तो सृजनात्मक कार्यशैली विद्यार्थी को कैसे सीखने में मदद करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, उसको कठिन कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, जो सृजनात्मकता होती है आपकी, रचनात्मक शैली होती है, कठिन कठिन कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कारक है जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा कारक है दोस्तों जो शिक्षक को शिक्षण कार्य में रुचि प्रदान करता है, यानी कि शिक्षक अच्छा शिक्षक करने के लिए शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहे तो सबसे बेहतर शिक्षा होता है। यहाँ पे सबसे उचित ऑप्शन लग रहा है विद्यार्थी की सहकारिता, यानी शिक्षक भी पढ़ाने के तत्पर हो और विद्यार्थी भी सीखने की तत्पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी समस्या है जो शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को ठीक स्थिति में बैठा कर शिक्षा प्रदान करने में बाधक है? तो यहाँ पे विशिष्ट वाहन अनियमितता, ये दोनों आपका बाधक है, तो ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। पाठ्य वस्तु की तैयारी में ए आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि अभिभावकों को बच्चों की मासिक रिपोर्ट प्रदान करने से क्या लाभ मिलता है, तो क्या लाभ मिलता है इससे? तो अभिभावकों को बच्चों की, जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं स्कूल में, अभिभावकों को बच्चों की मासिक रिपोर्ट दे रहे हैं, तो इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे क्या होगा कि शिक्षक बच्चों की प्रगति के प्रति उत्तरदायी होंगे। ठीक है, शिक्षक जो है बच्चों की प्रगति के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, और बेहतरीन तैयारी करते रहिए। और टाइम बहुत कम है, इसको आप अपने अनुसार मैनेज कीजिए, और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।